अरे चिल गुजर, बोलना क्या हाल है उधर का, कैसा चल रहा है? वालेकुम। हाँ ठीक है, वालेकुम सलाम। जा, मैंने 5-6 गाड़ी पुलिस भेज दी है, उसके पीछे पीछे तू भी जा। नत्थों को जिसने भी मारा, उन लोगों की अगवाड़ा पिछवाड़ा बन जाना चाहिए, वरना मैं तेरा पिछवाड़ा नहीं रहने दूंगा, मैं गुफा बना दूंगा। ये कमिश्नर फोन क्यों नहीं उठा रहा साला? चिर पुर चिर टीटू। अबे तेरा बाप बोल रहा हूँ मैं, तुझे नहीं समझ में आया तो कॉपी फाड़ के पिछवाड़ा बना दूंगा, बात सुन मेरी। कमिश्नर तू बाप को नहीं पहचानता, सारी इतना झूठा पड़ेगा ना, बात सुन मेरी, पहले बात सुन तो उसके बाद। जी जी जी, मैं वही कर रहा हूँ। राइट सर। और हाँ, मंटू मरेला, पप्पू पतीला और गिल्लू कालिया को छोड़ने का नहीं तो मैं तेरे को छोड़ेगा नहीं, तेरा फाड़ फाड़ के पिछवाड़ा अगवाड़ा की गुफा बना देगा। समझदार होगा तो समझ जाएगा मैं जा रहा हूँ मेला खाली कराने, और नहीं समझ में आए ना फिर उंगली कर लेना अपने पिछवाड़े में, खुश हो जाएगा नपुंसक। जरूरत है मुझे, वो गलत करता है मैं जानता हूँ, लेकिन कभी कभी एक वही है जो कोई भी काम कर सकता है। तुम दोनों मेरी भाई हो, मुझे तुम दोनों की जरूरत है, पर तुम दोनों की आपसी ये क्या पावर हाउस है तेरा झुकी। मेले में आए हुए सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि 15 मिनट के अंदर सारा मेला खाली कर दिया जाए, वरना तुम लोग अपनी अपनी मौत के जिम्मेदार स्वयं बनोगे, क्योंकि यहाँ पे आतंकी हमला होने की संभावना काफी तेजी से पाई जा रही है। मैं धर्मंडी गोपाल दुबे तुम लोगों की सलामती के लिए बड़े अफसोस के साथ ये सूचित किया जा रहा है कि तुम सब के साथ मेला को जल्दी से जल्दी खाली कर दिया जाए। किलबुल चंडाली और संजय सड़ेला के आदमी यहाँ पे चारों के चारों तरफ बम बारूद बिछा चुके हैं, कभी भी फट सकता है, इसलिए तुम सबको यहाँ से भागना होगा। बाकी हमारे आदमी सबके सब लगे हुए हैं, बहुत जल्दी ही अंजाम सामने होगा।
जरूर पकड़ेंगे, लेकिन उसके लिए हमें उससे भी तेज और होशियार बंदा चाहिए, जो कि इमोशनलेस, क्रूएल, सिंगल पर्सन और यहां से क्रैक हो। मैं भी एक बागी का फूल था, लेकिन किसी ने ऐसा कांटा बनाया मुझे कि मैंने हर एक दिल के दिल में छेद करने लगा, हर एक के दिल में चुभने लगा मैं। इसलिए तुम लोग सोचते हो कि इंसान इंसान भगवान है, लेकिन सच्चाई यहीं पे नहीं खत्म होती, सच्चाई तो अभी शुरू हो रही है। सच्चाई से मुंह मोड़ना सबसे बड़ा गुनाह। मुझे लोगों ने इस रास्ते पे चलने के लिए मजबूर किया, आचार किया, तब मैं इस रास्ते पे चला, वरना मुझे कोई शौक नहीं, मुझे ही नहीं किसी को भी शौक नहीं है गलत रास्ता अपनाना। कोई रास्ता नहीं दिखता तब उस इंसान को खून दिखता है, क्या करें।